अब कहानी बदल चुकी है, अब स्टॉल लगता है तो पहले वाराणसी बाहर लिखा जाता है, क्या वाराणसी देख के आप ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अब थोड़ा सिनेरियो सबसे खूबसूरत जो बदला है वो यही बदला है। यहाँ का एयरपोर्ट इम्प्रूव हो रहा है, उससे कनेक्टिंग रोड्स इम्प्रूव हो रही हैं। फिर ये जो बुनकर सेवा केंद्र बना है वहाँ पे एक तरीके से जो विलुप्त हो रही आर्ट थी उनको संरक्षण मिल रहा है। तो हम लोगों को भी अगर ऐसी विलुप्त हुई आर्ट जो जिनको जीआई मिला है, ऐसी आर्ट अगर मिल रही है उनको हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में और अच्छे से प्रेजेंट करके बेच पाएंगे। अभी तो देखिए एकदम शुरुआत है, ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें विलुप्त हो रही थी उनके संरक्षण का एक प्रयास शुरू हुआ है। अगर वो संरक्षित रहेंगी तो यहाँ के व्यापारियों को उन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा और उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बेहतर तरीके से पेश करके सबके लिए मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मोदी जी का हम लोगों को शहर को जो मिला है वो ये मिला कि आसानी से पहचान मिल रही है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए और आप ये बोलिए कि आप बनारस से आए हैं, आप बनारस के प्रोडक्ट को लेकर के आए हैं, तो पहले होता था कि आप पिछले हुए इलाके से आ रहे हैं, पता नहीं कितना कर पाएंगे, जितना वादा कर रहे हैं उतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब रहता है कि अच्छा आप वो ऐसा लगता है कि वो उनको हमसे ज़्यादा हम पे भरोसा है। बुनकर सेवा केंद्र एक प्लेटफॉर्म है जो इंटरेक्ट करने का बुनकर को डायरेक्ट मौका दे रहा है। अब वो बुनकर कितना सीख पाता है, कितना उन सहूलियतों को समझ पाता है, कितना उन कानूनों को यूटिलाइज कर पाता है अपने बेनिफिट के लिए, ये हर किसी की अपनी व्यक्तिगत काबिलियत में है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमको एक नया डायमेंशन मिल गया अपने काम में। आज की तारीख में हमारे डिजाइनर कुशन कवर्स फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे उपलब्ध है। ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है।